मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 और मतदान केंद्रों के युक्तकरण के संबंध में आज जिलाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता और कलेक्टर श्री मनोज पुष्प के साथ ही पत्रकारों की पहली परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर श्री पुष्प ने सर्वप्रथम मीडिया के साथियों से एक एक करके परिचय प्राप्त किया। पत्रकारों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए अपने अभी तक के कार्यालय के दौरान विभिन्न पदों में दी गई सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 और मतदान केंद्रों के युक्तकरण के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया एवं व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग कर मतदाता सूची के अधिकतम शुद्धिकरण और मतदाता जागरूकता में सहयोग करने की अपील की। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आज से शुरू हुआ है। दावे आपत्ति आज से ही प्रारंभ हो गए हैं और इस पूरे माह दावे आपत्ति लिए जाएंगे और विशेष अभियान इसमें सैटरडे संडे दो पड़ रहे हैं उन पे विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। स्वीप की गतिविधियां की जाएंगी और 4 अक्टूबर को फाइनली मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। ये कोशिश है कि मतदाता सूची को शुद्धतम किया जाए, जेंडर रेशियो को बेहतर किया जाए, ईपी रेशियो को बेहतर किया जाए और सभी से हमारा अनुरोध है कि जिनको भी अपने मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ने की या उसमें संशोधन करने की या किसी कारणवश अगर मतदाता सूची में कहीं और आपने नाम जुड़ा लिया है तो नाम हटाने की कार्यवाही करनी है तो रिक्विजिट फॉर्म करें। ऑनलाइन इसकी व्यवस्थाएं की गई है और आप स्कैन करके बारकोड स्कैन करके भी अपना आवेदन दे सकते हैं। हम लोगों ने स्कूल्स में कॉलेजेस में जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई है। वहाँ पे कॉलेज में एम्बेसडर्स बनाए गए हैं, लिटरेसी क्लब बनाए जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि मतदाता सूची शुद्ध और सभी मतदाताओं का नाम उस मतदाता सूची में हो। मीडिया के समस्त साथियों से और सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पूरे कार्य में सहयोग प्रदान करें ताकि हम एक अच्छी शुद्धतम मतदाता सूची बना सके जिससे कि हम बेहतर चुनाव करा सकें। और उसके बाद फिर छिंदवाड़ा में और परासिया भी मेरे पास था, ये 2001 से 4 तक रहा था, विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराया था मैंने उस समय यहाँ डिफरेंट कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैं उज्जैन में रहा, फिर इंदौर में रहा, इंदौर एसपीओ रहा, फिर नगर निगम इंदौर में एडिशनल कमिश्नर रहा, फिर मैं सीजीएम रहा वेस्ट डिस्कॉम में, वहाँ मेरा अच्छा 4 साल का कार्यकाल रहा। फिर 2011 बैच मेरा आईएएस का अवार्ड हुआ और मंदसौर में कलेक्टर रहा मैं, उसके बाद अलीराजपुर में रहा, फिर रीवा में रहा, फिर अभी 3 महीने से भोपाल में था मैं डिप्टी सेक्रेटरी कॉमर्शियल टैक्स, डिप्टी सेक्रेटरी महिला बाल विकास, एमडी महिला वित्त विकास निगम और परसों फिर छिंदवाड़ा वापस चौथा जिला। तो हम लोग संपर्क में रहेंगे और आप लोग कोई भी इशू हो तो हमारी जो टीम है उसको